उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 7 माह की गर्भवती महिला की दबंगों ने 5 महीने पहले पिटाई कर दी थी। आलम यह है कि 5 माह बीतने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। पीड़ित महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जिसके चलते उखड़े परिजनों ने जाम लगा दिया। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के मोहल्ला अग्रवाल निवासी 7 माह की गर्भवती एक महिला की उस समय नामजद दबंगों ने मारपीट कर दी थी, जब वह अपनी बच्ची को बचाने के लिए दबंगों से भिड़ गई थी। दबंगों ने महिला को इतना मारा पीटा कि अब तक महिला उठने की हालत में नहीं थी। इलाज में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी महिला चारपाई से उठने के लिए मजबूर रही। आरोपों की माने तो कोतवाली पुलिस की शिथिल कार्यवाही के चलते दबंग आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यहां आपको बता दें कि पीड़िता का पति अपने 5 बच्चों के साथ पत्नी को हाथ ठेल पर लिटा कर न्याय की आस में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर कई बार चक्कर भी लगा चुका था, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। पीजीआई सैफई में इलाज के दौरान ब्रिजेश की पत्नी प्रीति ने दम तोड़ दिया, जिसका शव पोस्टमार्टम कराने के लिए मैनपुरी पहुंचा। न्याय न मिलने और महिला की मौत से उखड़े परिजनों ने करहल चौराहे स्थित विशाल मेगा मार्ट के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। जाम 1 घंटे तक लगा रहा, जिस बीच वाहनों की लंबी कतार लगी रही। मौके पर पहुंची पुलिस सीओ सिटी अभय नारायण राय ने सबको हटाए जाने को लेकर परिजनों से काफी देर गुहार लगाई, जिसके बाद वह नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर शव को हटाकर जाम खुलवा दिया। अच्छा ब्रिजेश, आज जो ना कप्तान साहब के यहाँ गए थे। हाँ सर, मैं गया था सर। तो क्या क्या मतलब किस लिए गए थे, क्या शिकायत थी तुम्हारी? कप्तान साहब को सर मैंने अभी शिकायत करनी चाहिए साहब। सर मेरा सिलसिला जो 4-5 महीने से चल रहा सर, ये सर 5वां महीना है। 14 तारीख को सर परिवार वाले दमंग लोग थे सर, फिर मेरी भी छोटी बेटी भाई को पत्नी को मारा क्यों था? पत्नी को मारा गया सर, छोटी बेटी सुनैना थी सर, वो उनकी पटिया पे बैठ गई, पटिए पे सर वो खाने पीने वाले थे ना, वो सर निकल गया, वो गाली गलौज करने लगे। मैंने बोला भैया गाली गलौज क्यों कर रहे हो, बच्चा हम उसको समझा देंगे। सर वो खाने पीने वाले मुझको मारने में लग गए सर, वो 4-5 लोग सर बीवी बचाने के लिए आए निकल के। उसकी पेट में सर 7.5 महीने का बच्चा था, उसको बार बार डाल लिया, उसको लाते उसे मारा सर, तब चोट मारा तब फूटा भाती नहीं हो सर। फिर सब पुलिस चौकी में गए, कोतवाली गए, मेरी NCR साहब लोकल बना दी गई, हम सब पढ़े लिखे तो थे नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी कोई सुनवाई नहीं साहब। कई आत्मा मैंने जो अभी निकल रहे सर, फिर से सब मेरे घर पे धमकी देने आए सर। हाँ। मेरी बीवी को मारा, ऊँचा लाल कट्टा तो मंचा दिखाया सर, मारकूट की सर, क्या देखो अब निशान लगे सर। हाँ। फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं सर। आज आज क्या आश्वासन दिया पुलिस ने, आज आप आला अधिकारी के पास गए थे, क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी तो मैं सर पुलिस की वहाँ पे गए थे, बोले आपकी कार्रवाई होगी सर। और सर मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा बाबू जी, हम सब गरीब आदमी 80,000 रुपये कर्ज लेके ब्याज पे लगा चुके, 5 रुपये सैकड़े पे मेरे बच्चे घर का रोटी मांग के खा रहे थे, मैं क्या करें सर, मजबूर गरीब आदमी पैसा आ रहा हूँ। अब इलाज के लिए भी पैसे नहीं है? कुछ नहीं है सर मेरे पास, अब बता सर मैं क्या करें, कोई सुनता नहीं है। क्या करें क्या खवाएं उसे, उसने 1 लाख रुपया लगा दिया। हुई कब थी मारपीट? ये बहुत दिन की हो गई है, 4 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं। नीचे आईडी लगाओ सर, फ्रेम में तो ना ले लियो सर, कोई सुनवाई नहीं हुई है 4 महीना से। 1 लाख कर्जा भलकर उसने बेचारे ने लगाया है, सामने देखो बच्ची थी, अब 2 महीना की बच्ची है, अब 4 महीना की बच्ची है, उसे क्या बताओ क्या करे, क्या सुनाए उसे, मान लेंगे इसमें। एक राठौर परिवार की महिला थी जो पिछले कुछ महीनों से लगातार बीमार भी चल रही थी, और इनका जो एक घरेलू विवाद था अपने पड़ोसी चाचा से, वो पिछले 6 महीने पहले का, और उसके बाद फिर 4 महीने बाद जब COVID-19 महामारी अपने चरम पर थी तब फिर शुरू हुआ था। और उसके बाद अभी हाल ही में इनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिस पर एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया था उनके खिलाफ, उसी अभियोग के क्रम में विवेचना प्रचलित हुई थी, लेकिन इनकी जो स्थिति थी हालात थी वो अच्छे नहीं हो पाए। पुलिस के द्वारा 2-3 मरतबे ले जा करके जिला अस्पताल में इनका इलाज भी कराया गया, उसी क्रम में इनका जो रेफर यहाँ से सैफई की गई थी, सैफई में इनका देहावसान हो गया, वहाँ से पोस्टमार्टम के बाद मोटी यहाँ आई थी। इन लोगों की ये मंशा थी कि हमें आर्थिक सहायता
या तो हमारे पड़ोसी से दिला दिया जाए या फिर प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जाए। उन्हें समझा बुझा दिया गया है कि अगर प्रशासन की आर्थिक सहायता जो तमाम योजनाएं सरकारी चल रही हैं उसके दायरे में आप आते होंगे तो उस कानूनी प्रक्रिया के तहत आप आए, उसके तहत जो कुछ भी हम लोगों से हो सकती है हम लोग संस्तुति करा करके दिलाने का प्रयास करेंगे। बाकी कोई और बात नहीं, समझा बुझा करके लोग यहाँ से मिला। सर पोस्टमार्टम सफाई से हो? ये परिजनों के द्वारा ही बताया गया है कि पोस्टमार्टम करके ही बॉडी सील चुकी आई हुई थी पोस्टमार्टम के बाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.